मुंबई के डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम के बाहर खड़े इस हाथी के शिल्प को देखिए, ये कोई सामान्य शिल्प नहीं है, इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास है। 6वीं सदी में मतलब 1000 साल पहले इस शिल्प को बनाया गया था। ये हाथी शिल्प घारापुरी या एलिफेंटा द्वीप के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। ये शिल्प के ऊपर से घारापुरी द्वीप का यूरोपीय नाम एलिफेंटा लिया गया है। 1864 में अंग्रेजों ने हाथी के शिल्प को एक बड़े जहाज में से इंग्लैंड ले जाने का प्रयास किया। हालांकि क्रेन टूट गई और शिल्प कई टुकड़ों में बिखर गया। टुकड़ों को विक्टोरिया गार्डन में लाया गया और संग्रहालय के क्यूरेटर द्वारा पुनः एकीकृत किया गया। हजारों सालों से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने वाला ये हाथी का शिल्प आज मुंबई के भावदाजी लाड म्यूजियम के बाहर खड़ा है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा करके ही म्यूजियम देखने चले जाते हैं।